नमस्कार साथियों, आने वाला जो समय है भाई, मैं बता दूं, विदेश जाने से रिलेटेड आपको बहुत सारे नियम बदलने पड़ेंगे। नियम सरकार द्वारा भी बदलेंगे, आपको भी कुछ चेंज करना पड़ेगा। पासपोर्ट को वैक्सीनेशन पासपोर्ट बना दिया जाएगा। जी हाँ, यहाँ पे हम कुछ डिटेल से बात करेंगे कि भाई सरकार नए पासपोर्ट, अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो क्या स्कीम लाने जा रही है। अगर आप सर्टिफिकेट कोवैक्सीन लगा के यात्रा करते हैं या टिकट बुक करते हैं तो आपको टिकट में 10% की छूट मिलेगी। या फिर आप को आपके मान लीजिए आपने जो वैक्सीनेशन लगवा ली है, वो आपके पास एक सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट के साथ में लिंक नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है नाम में, डेट में या कोई भी तरह की प्रॉब्लम, तो वो लिंक कैसे किया जा सकता है। जी हाँ, हम इसको डिटेल से बात करेंगे। आप सोचिए समझिए, आपको भी इसमें काम आने की जानकारी है। वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए भाई। फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं बता दूं भाई, सरकार ने एक आदेश नियम बनाने जा रही है जिसमें आप जैसे वीज़ा अप्लाई करते हैं किसी भी देश का, तो उसके साथ में आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत पड़ेगी। जी हाँ, पासपोर्ट के साथ में फोटोकॉपी वगैरह आप डॉक्यूमेंट और सबमिट करोगे ना, उसके साथ में आपने दो डोज ली हुई हैं, ठीक है, उसका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट साथ में देना पड़ेगा, तभी आपका वीज़ा अप्लाई होगा, वरना वीज़ा अप्लाई नहीं होगा। ये अभी थोड़े दिन में ये नियम सरकार बनाने जा रही है। टाटा इंडिगो वगैरह कई फ्लाइटें ऐसी हैं, अगर आप वैक्सीन लेके यात्रा करते हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी। यानी 10 का मतलब ये होगा कि भाई जैसे 10,000 की टिकट आ रही है तो उसमें आपको 10% कम यानी 100 रुपये की छूट मिल जाती है, या 1,000 रुपये की 10% में 1,000 रुपये की छूट मिल जाती है, इस तरह से आपको छूट मिलेगी। जी हाँ, ये एक अच्छी बात है, तो आपको जल्दी से जल्दी ये इस फायदा उठा लेना चाहिए। अभी हम बात करेंगे भाई कि कोविन पोर्टल है, सरकार द्वारा एक कोविन पोर्टल बनाया गया। आपको पता है आरोग्य सेतु ऐप ने एक आधिकारिक ट्विटर पे ये जानकारी भी दी थी, सरकार द्वारा कोविन पोर्टल बनाया गया है जो पासपोर्ट से वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लिंक कराने की सुविधा प्रदान करता है। अब लिंक वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लिंक कराना कैसे होता है, ये सबके लिए नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर देते हैं तो उसमें ये सुविधा बताई गई है। जी हाँ, केंद्र सरकार का ये पोर्टल बनाया गया है जिसमें कोविन वेब पोर्टल पर आप जाके वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को पासपोर्ट से आप लिंक कराने की सुविधा जोड़ दी गई है। ये एक्स्ट्रा फीचर इसमें डाला गया है। इसके जरिए आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी जैसे पासपोर्ट नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ या फिर वैक्सीनेशन लगाने की डेट में अगर आपको कुछ गलती है, सुधार करना है, तो आप उसमें समाधान किया जा सकता है। जी हाँ, अब आगे मान लीजिए आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को पासपोर्ट से लिंक कराने के लिए कई बार लोगों को दिक्कत आती है तो क्या प्रक्रिया अपनानी होगी। इसमें दो ऑप्शन है, या तो आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने मोबाइल में जाके खुद कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। अगर आपको नहीं करना आता है तो आप अपने पड़ोस में ई मित्र समझ रहे हैं, ई मित्र उस पर आप जाइए, वहां पर आप आराम से करवा सकते हैं। इसके लिए आपको जो कोविन का आधिकारिक पोर्टल है www.covin.gov.in पे जाके अपना मोबाइल नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें मोबाइल नंबर रहेगा भाई, ये आपको डालना पड़ेगा। रेंज एंड इश्यू पे आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद पासपोर्ट विकल्प पर क्लिक आपको करना पड़ेगा। इस पर आप ड्रॉप डाउन मेन्यू में चुने अपना पासपोर्ट नंबर दर्ज करना होगा, इसके बाद विवरण भरकर आप सबमिट कर दें। आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको आप सबमिट कर सकते हैं, आपको कुछ ही सेकंड में नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जी एकदम ईजी है, बहुत ईजी है, समझ गए। अब आपका आगे सवाल ये हो सकता है कि अगर वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की कुछ जानकारियाँ अपडेट करनी हो, यानी कुछ गलत हो गया, कुछ नया उसमें अपडेट करना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा। जी हाँ, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट की जानकारी अगर आपको अपडेट करनी है तो आपको मेल नहीं खा रहा है, या आपके मान लीजिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या पासपोर्ट का विवरण आपका मेल नहीं खा रहा है, अपडेट जो आपने भरी थी पासपोर्ट में नाम कुछ है उसमें कुछ है, कुछ गलत हो गया है, तो या आप वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट के विवरण में सुधार कर सकते हैं। तो इसके लिए www.in.gov.in पे आपको जाना होगा और आपका मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करना होगा। रेंज इन इश्यू पे विकल्प पर आपको क्लिक करेंगे, इसके बाद सर्टिफिकेट के सुधार का एक ऑप्शन अलग आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जिसका विवरण आप बदलना चाहते हैं, जो भी आपका बायोडाटा बदलना चाहते हैं उसको ड्रिप डाउन मेन्यू से चुने, और जो जानकारी फिर आपको अपडेट करनी है, सही गलत आपको करना है, उसको वह विकल्प चुन के उसमें आप सुधार कर फिर पे सबमिट कर सकते हैं, उसमें आप आराम से हो जाता है। जी हाँ, आगे का क्वेश्चन, अगर आप मान लीजिए कई बार क्या होता है कि कई व्यक्तिगत जानकारियाँ कई बार अपडेट कर सकते हैं, कई बार लगता है नहीं दोबारा कर लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कोविन का जो पोर्टल है, आपको नाम या अन्य जो भी प्रॉब्लम आपकी है उसमें सुधार करने की सुविधा सिर्फ एक ही बार मिलेगी। ये नहीं कि आप बार बार अपडेट करेंगे तो नहीं हो पाएगा, गलत भर दिया तो गलत ही रहेगा, फिर आपको आगे दिक्कत आने वाली है। जी हाँ,
इनके लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखने की बातें हैं। सबसे पहले ध्यान रखें कि आपका पासपोर्ट और कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट में जो नाम दर्ज है वो अंतर ना हो। कोविड सर्टिफिकेट में नाम आपने मान लीजिए लिखवा दिया कि अशोक कुमार, समझ रहे हो बात को, अगर मेरे नाम की एग्जाम्पल ले, और उसमें पासपोर्ट में नाम है मान लीजिए अशोक चौधरी, तो डिफरेंस हो गया ना, अशोक कुमार अशोक चौधरी अलग अलग नाम हो गए ना, तो ये फिर पोर्टल पे मान्य नहीं होगा, आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसके लिए ध्यान रखना है, वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपका नाम दर्ज वही करे जो आपके पासपोर्ट में लिखा हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखिए। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि आगे आने वाला समय इसी का है, वैक्सीनेशन से रिलेटेड पूरी जानकारी चलती रहेगी। सबसे पहले आपको पता है PCR रिपोर्ट आई थी, वो भूल गए लोग, उसका इतना है ही नहीं। उसके बाद में देखिए वैक्सीनेशन का आ गया, अभी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वगैरह आ गया, अभी और कुछ अपडेट आते रहेंगे तो हम आपको जरूर बताते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।